इक्वालिटी, कानून और समानता। तो इससे क्या बात किए हम लोग कानून समानता पे पिछले क्लास में? अच्छा ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, नहीं है वो विरांची, अरे वो कर रहे हैं तो छोड़ दो भाई, छोड़ो। और एक हाँ तुम आ जाओ, ठीक है। हाँ अब शिलू तुमको थोड़ा अभी तुम्हारा हाइट बड़ा है, थोड़ा तुमको ऐसे छोटा होके रहना, ठीक है ऐसे। अब मानो यहाँ पे एक ऐसे दीवार है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे दीवार है, ठीक। अभी मैच देखना है, मैच हो रहा है यहाँ पे, तो अब हरी यहाँ पे दीवार है, ठीक है, कितना हरी को दिख रहा है ना, सनातन को नहीं दिख रहा है, इसको बिल्कुल नहीं दिख रहा है शीलू को, है ना। अब क्या करेगा? हाँ ठीक है, आप जाओ, तुम आप स्नेहा बात नहीं है, बहुत ये सब था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर दीवार है, हरी को दिख रहा है ना, सनातन नहीं दिख रहा है, विरांची नहीं दिख रहा है ना, तो अब क्या करेंगे? अभी समानता है, बराबर है, सब एक जगह पे खड़ा है ना। अब क्या करेंगे? जैसे एक ईंट या फिर पत्थर, हरी के नीचे एक पत्थर रख दिया, क्या होगा? थोड़ा और ऊंचा हो जाएगा, अभी भी उसको दिख रहा है। इसके नीचे एक पत्थर रखेगा, क्या होगा? अब इसको दिखने लग जाएगा ये यहाँ पे। इसके नीचे एक और पत्थर का अभी भी नहीं दिख रहा है, मान लो थोड़ा ऐसे नीचे, थोड़ा ऐसे, हाँ एक पत्थर रखे विरांची यहाँ तक आ जाएगा, अभी भी नहीं दिख रहा है ना। तो फायदा क्या हुआ? सबके पास एक एक पत्थर है, लेकिन मैच इन दोनों को दिख रहा है, इसको अभी भी नहीं दिख रहा है। अब अगर क्या करेंगे, हम उसका वाला पत्थर विरांची को दे देगा, तो विरांची भी मैच देख सकता है। बेसिकली मतलब ठीक है, जाओ, थैंक यू। बेसिकली ये हो गया ना, यहाँ पे मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच है ना, बैटिंग बॉलिंग ये सब चल रहा है। अब यहाँ पे था हरी खड़ा, इधर ये हरी है ना, ये सनातन है, और यहाँ पे विरांची है, ठीक, ये ग्राउंड, ठीक, ये क्लियर। अब एक बड़ा सा बॉक्स लाता है, यहाँ पे बॉक्स लगा दिया, यहाँ पे एक बॉक्स लगा दिया, यहाँ पे एक बॉक्स लगा दिया। अब क्या हुआ? हरी और लंबा हो गया, हरी यहां तक पहुंच गया है, ये भी और लंबा हो गया है, यहाँ पे फिर है ये, लेकिन अभी भी इतना आ रहा है, इसको अभी भी मैच नहीं दिख रहा है विरांची को, है ना। इक्वालिटी है, समानता है ना, बराबरी, सबके पास एक बॉक्स, गोटे बॉक्स, गोटे जाना गोटे बॉक्स ना। लेकिन अब क्या करेगा? अगर इसका बॉक्स, हरी का बॉक्स लेके यहाँ पे लगा देगा, अब क्या होगा? हरी वापस अपना इस साइड पे पहुंच गया, मैच दिख रहा है हरी को, ये सनातन अभी भी वैसे ही एक बॉक्स के साथ, इसको मैच दिख रहा है। फाइनली अब विरांची क्या है, अब फाइनली उसके पास दो बॉक्स है, तो वो भी मैच देख सकता है। इसको असली समानता बोलते हैं या फिर इक्विटी। असली समानता ये हो गया ना, समझ गए, इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी। इक्वालिटी तब था जब तीनों के पास एक एक बॉक्स था, अब इक्विटी तब है जब असल में समानता है, कि जब तीनों मैच देख पा रहे हैं ना। यही चीज कॉन्सेप्ट क्या हमने बताया था, एससी एसटी ओबीसी जनरल में यही चीज है। एससी एसटी तो हमने बात किया था, ओबीसी जनरल तो बात करें, एससी एसटी से क्या समझे थे जो क्लास में था, एससी क्या, हाँ क्या शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल सबसे पहले संविधान में एक लिस्ट, लिस्ट जाने ना क्या होता है, तो एक लिस्ट है संविधान में जिसमें कुछ 1000 से भी ज्यादा शेड्यूल कास्ट इंडिया में है, उसी लिस्ट एक और लिस्ट है शेड्यूल ट्राइब का, उसके हिसाब से 744 ट्राइब्स एसटी इंडिया में है, 744 लोग नहीं, 744 ट्राइब्स, 744 जाति, 1000 एसटी यानी कि 1000 जाति, और पॉपुलेशन क्या है 16%, यानी कि भारत का जनसंख्या में से 16% लोग एसटी, 8.6% लोग
एसटी 8.6% कितना हुआ टोटल अगर इंडिया का पॉपुलेशन कितना है 1,200,000 इनटू 8.6 बाय 9 ले लेता है 9 बाय 100 कितना हो गया 9 इनटू 12 इनटू 9 कितना होता है 108 है ना तो 108 हाँ तो अराउंड 100 मिलियन 100 मिलियन लोग इंडिया में क्या है एसटी है उसी का ऑलमोस्ट डबल ले लोगे तो 2 मिलियन लोग एससी है ठीक है और अब एससी और एसटी में डिफरेंस क्या है पिछले क्लास में हम बात किए थे क्या डिफरेंस है अंतर का है हाँ एसटी जो है धर्म है उनका लेकिन धर्म के हिसाब से डिसाइडेड नहीं है कि एसटी कौन है किस से डिसाइड होता है एसटी का हाँ जगह से स्पेस से लोकेशन जंगल में है या पहाड़ में है या फिर डेजर्ट में है जहां पे रोड नहीं पहुंचा है सरकार का सुविधाएं नहीं पहुंचा है स्कूल ये सब नहीं पहुंचा है उस एरिया को ट्राइब बोलते हैं जो कि मेनली क्या है जो मेन जो कल्चर है संस्कृति जो मेन स्ट्रीम संस्कृति है जो हिंदू ये सब जो हमारे देश में है उससे थोड़ा अलग है ना भाषा अलग संस्कृति अलग और जगह अलग है ना मेन रोड के पास नहीं है थोड़ा दूर है इसलिए सुविधाएं नहीं पहुंच पाए अब एससी क्या एससी किस चीज से डिसाइड होता है रिलीजन धर्म से है ना एससी हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है जो मैंने आपको बताया था जो चार कास्ट जो बताया था क्या क्या होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो जो सबसे जो लोअर कास्ट मानता है शूद्र या जो नीचे उसको एससी बोलता है ना और एससी हुआ कैसे डिसाइड हुआ ये चीज चल तो देखो अगर इंडिया का रूल्स राज्य को बनाया गया बोला है कि हर राज्य इंडिया का कानून बनाएगा तो वहां इंडिया में कितना राज्य है 29 राज्य में से बस एक राज्य पूरे इंडिया का कानून बनाएगा मान लो उड़ीसा के लोगों को दायित्व मिला है कि उड़ीसा का लोग कानून बनाएगा इंडिया का तो किस तरह का कानून बनाएगा उड़ीसा का लोग बताओ हाँ ऐसा कानून बनाएगा जिससे उड़ीसा को फायदा होगा ना कि अगर उड़ीसा से लोग बाहर जा रहे हैं तो उनको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए या फिर उड़ीसा में कुछ सामान आ रहा है तो वो सस्ता होना चाहिए उड़ीसा का सामान बाहर जा रहा है वो अच्छा दाम में बिकेगा है ना वैसे अगर पंजाब का लोग रूल बना रहे तो क्या होगा पंजाब का फायदा देखेगा तो वैसे ही ये सिस्टम कैसे बना है कौन लोग बना है इसमें इस सिस्टम से फायदा कितना हो रहा है ये बताओ और क्षत्रिय है ना ब्राह्मण लोग जो मंदिर में जो वेद ये सब पढ़ाई करता था उस समय स्कूल नहीं था ना शुरुआत में सारा पढ़ाई कहाँ होता था मंदिरों में वेद पढ़ता था महाभारत ये सब पढ़ता था तो ये लोग रूल बनाया दूसरा रूल कौन बनाया ये क्षत्रिय क्षत्रिय कौन था राजा लोग जो शासन करता था है ना तो फायदा किस इस सिस्टम से चार कास्ट में से फायदा किसको हो रहा है ब्राह्मण और क्षत्रिय दो हायर कास्ट है ना तो कौन तो वही बात आ गई इसीलिए ये लोग ऐसा रूल बनाया है ब्राह्मण अपने लिए ऐसा रूल बनाया ताकि उनका फायदा हो है ना समझ आना जैसे गांव में आप देखो गांव में अगर 100 घर है आपका गांव में अगर 100 घर है 100 घर है उसमें से 10 घर जो है 10 घर में पढ़ा लिखा लोग है कॉलेज में गया है वो लोग और पैसे वाला लोग है अब अगर वो लोग कानून बना रहे गांव का तो कैसा कानून बनाएगा है ना बोलेगा कि जो 10 लोग है जो हाँ पहला रूल शहर बनाने का कि बस गांव का लीडर वही बनेगा जो कॉलेज गया है तो उसमें से क्या हो गया 100 घर अगर है 100 लोग है गांव में उसमें से बस 10 लोग कॉलेज गया है तो क्या हुआ गांव में शासन करने वाला कौन लोग होगा बस इन्हीं 10 लोग हो सकता है बाकी 90 लोग अब वैसे हटा दिया उन्होंने है ना समझ रहे ना क्या बोल रहे हैं वैसे बोलेगा कि एक और रूल बना रहे कि बस वही लोग गांव का डिसाइड कानून बनाएगा जो कि जिनके पास गाड़ी है सोचो 100 में से बस अगर 2 लोग के पास गाड़ी है तो किसका फायदा हो रहा है इस रूल से है ना तो यही ये चीज देखना जरूरी है कि कानून कोई भी नियम जो है वो कौन बना रहा है और उस नियम से किसको फायदा हो रहा है
ठीक है, स्कूल का नियम जो है, स्कूल में जैसे अगर नियम है कि आप लोग हाँ क्लास मिस नहीं करेगा, उससे किसका फायदा है? आप लोगों का फायदा, तो ठीक है नियम। लेकिन कल को अगर बोलते हैं कि अब से क्लास मिस करने पे, एक क्लास मिस करने पे ₹500 फाइन देना पड़ेगा, उससे किसका फायदा हो रहा है? हाँ, और कानून कौन बना रहा है? सर, ग्राम विकास, है ना? तो ये चीज समझने का जरूरी है, ठीक है? किस कानून से आपको फायदा हो रहा है, किस कानून से किसी और को फायदा हो रहा है, कौन बना रहा है ये सब? तो यही सिस्टम है, क्योंकि ब्राह्मण ये लोग कानून बनाया तो इसलिए इनको फायदा हुआ, और बाकी लोगों को ये लोग बोल दिया कि तुम जाओ, तुम नीचा रहे, ये है वो। असल में कुछ नहीं ऐसा है ना, सब इंसान है, ठीक है, बस काम के हिसाब से डिवाइड हुआ था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, इन्होंने सिस्टम बना दिया। पहले मान लो जैसे एक पढ़े लिखे आदमी था, एक राजा था, ठीक है, हो सकता है कल को अगली बार यहाँ से शूद्र कास्ट से राजा बन जाए, लेकिन इसके बाद नियम ऐसा बनाया कि ऐसा ना हो पाए। क्यों, क्या नियम बनाया? हाँ, कि ब्राह्मण का बच्चा ही ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बच्चा ही क्षत्रिय बनेगा, शूद्र का बच्चा शूद्र ही रहेगा। तो इस सिस्टम से क्या फायदा हुआ है कि ये लोग हमेशा ऊपर ही रहेगा, ये लोग कभी भी ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है? तो ये एससी एसटी का बात, आप ओबीसी और जनरल का बात करेंगे, ठीक है? ये लास्ट क्लास है लॉ इनइक्वालिटी का। ओबीसी क्या होता है? एससी आपने बोला धर्म से होता है, एसटी आपने बोला जगह से होता है, संस्कृति से होता है, ओबीसी क्या होगा? हाँ, जाति है, पंचो माने संस्कृति, हाँ ठीक है। अच्छा, पहले ये थोड़ा फिगर्स पढ़ते थे। एसटी हमने कितना बोला, कितना परसेंट है इंडिया में? 16%, ठीक है, एसटी 8.6%, ओबीसी है 41%, कितना हुआ ये 16 plus 9 25 25 plus 41 66 तो जनरल कितना हुआ अराउंड 34%, ठीक है, है ना? ठीक है, अब ये नंबर अभी भूल जाओ, बात करते हैं ओबीसी असल में है क्या। ओबीसी बेसिकली बहुत सिंपल चीज है, ओबीसी वो सब पिछड़ा जाती है जो थोड़ा जिनको एजुकेशन नहीं मिला या फिर पैसा कम है, तो उसमें कोई धर्म का काम नहीं है, कोई जगह नहीं है। जैसे हिंदू, कोई अगर हिंदू है, ब्राह्मण जाति का है और शहर में रह रहा है, बिल्कुल दिल्ली में रह रहा है, वो भी ओबीसी हो सकता है, ठीक है, उसके पास शायद पैसा कम हो, है ना? ओबीसी में धर्म या फिर जगह का कोई रोल नहीं है। तो जैसे किस चीजों पे डिसाइड होता है, तीन चीज, सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशन, क्या क्या, सामाजिक, आर्थिक और एजुकेशन, शिक्षा। तो या तो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, जैसे कि उनको चांस नहीं मिला है, जैसे मुस्लिम लोग है, अब इंडिया में क्या ज्यादा कौन है, हिंदू लोग है ना, वो ऑटोमेटिकली मुस्लिम लोगों को थोड़ा कम चांस मिलता है, इसलिए उनको ओबीसी का दर्जा दिया है, ताकि वो सामाजिक से थोड़ा पिछड़ा है। आर्थिक तो बहुत सिंपल है, जिसके पास पैसा कम है वो पिछड़ा है ना, और तीसरा एजुकेशन, जिसको शिक्षा नहीं मिला है। तो इन तीन चीजों के हिसाब से ओबीसी को डिसाइड करता है। तो जैसे एससी मैंने बोला था अराउंड 1000 कास्ट है ना संविधान में, वो भी एसटी मैंने बोला 744, वैसे ही इंडिया में अभी अराउंड 2500 ओबीसी जाति है, ठीक है, और पॉपुलेशन कितना हो गया 41%, फिर से वही क्या 1.2 बिलियन का 41%, हाँ कितना हो गया 41 into
हाँ तो कितना हो गया ये, हाँ अराउंड ऑलमोस्ट 500 मिलियन, ऑलमोस्ट इंडिया का आधा पॉपुलेशन क्या है ओबीसी, ठीक है, यानी कि पिछड़ा हुआ है, चाहे पैसे की वजह से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे आर्थिक, है ना, एजुकेशन से। अब ये जो ओबीसी का जो लिस्ट है, जैसे इनका लिस्ट है, ये लिस्ट है, ये हमेशा इतना ही रहेगा, एसटी भी इतना ही रहेगा, और एसटी नहीं जोड़ा जाएगा चाहे, लेकिन ओबीसी का लिस्ट हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है। जैसे अगर मेरा जाति में ओबीसी हूँ, एकदम से मेरे जाति में खूब लोग पढ़ने लग गया, पैसा आ गया, तो मेरा जाति इस लिस्ट में से हट जाएगा, 2499 हो जाएगा। वैसे अगर कोई नया जाति देखा है जिसके पास एकदम से पैसा कम हो गया, ये सब हो गया, तो वो ओबीसी लिस्ट में जुड़ सकता है, ठीक है, संविधान के लिस्ट है ये सब। अब रिजर्वेशन का बात करता है, एससी पॉपुलेशन 16% है, उनको रिजर्वेशन कितना मिलता है, रिजर्वेशन समझते हैं आरक्षण, यानी कॉलेज ये सब में परसेंट कुछ सीट होता है ना, जैसे एक कॉलेज में 100 सीट है, तो उसका कुछ परसेंटेज एससी लोग ही ले सकता है, कुछ परसेंटेज एससी लोग ही ले सकता है, तो एससी का परसेंटेज कॉलेज में कितना आता है, 15, एससी एसटी का 7.5, ओबीसी का 8% नहीं 27। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी कॉलेज में 100 सीट्स है, 100 सीट्स, तो उसमें से 15 सीट्स किसको जाएगा, 7.5 सीट्स एसटी, 27 सीट्स ओबीसी, तो टोटल कितना हुआ, ये टोटल कितना है, 22.5 49.5। तो बेसिकली इंडिया में अभी 49.5% सीट्स रिजर्व रहता है, बाकी अब जनरल का कितना, 34% आपने देखा पॉपुलेशन, उनको कितना सीट्स बच गया, 50.5, है ना। तो समझ गया ना इसका मतलब, 100 सीट्स अगर कॉलेज में है, 15 सीट एससी को जाएगा, 15 सीट यानी 7.5 सीट एसटी, 27% सीट ओबीसी, बाकी का 50 सीट्स जनरल। लेकिन ओबीसी में एक रूल है, एससी एसटी में यानी कितना भी सैलरी हो, अगर एससी है या एसटी है उसको सीट मिलेगा, लेकिन ओबीसी में क्रीमी लेयर करके बोलता है, ये सुना है पहले, क्रीमी लेयर, क्रीमी, क्रीम का मतलब क्या हुआ, क्रीम, मिल्क, दूध, दूध के ऊपर जो मलाई होता है क्या, है ना, एक मिल्क देखा है ना, गाय का दूध निकलता है उसके ऊपर एक थोड़ा लेयर सा बना होता है, वो क्रीम होता है, आइसक्रीम बनता है उससे बना सकते हैं, लेकिन क्रीम वही हुआ, दूध आप देखते हैं ना, जैसे गाय से दूध निकाले उसके ऊपर एक लेयर रहता है, वो उसको ऐसे उंगली से निकाल के ऐसे खा सकता है ना, वो क्रीम। तो क्रीमी लेयर मतलब जो, जैसे दूध का, अगर दूध का बाल्टी है, इतना बड़ा दूध है, यहाँ तक मिल्क भरा हुआ है, ऊपर क्या है, ये क्रीम है, ये क्रीम है ना, तो यही क्रीमी लेयर, लेयर मतलब स्तर। तो जैसे अगर अब ये सारा लोग, अगर ओबीसी है, जो सबसे ऊपर जो लोग है उसको बोलते हैं क्रीमी लेयर। तो क्या है, ओबीसी के केस में क्रीमी लेयर को सीट नहीं मिलता है, बस उससे नीचे जो लोग है उनको मिलता है। और क्रीमी लेयर कैसे डिसाइड होता है, आर्थिक उस पे, कि जैसे पहले 1993 पहली बार डिसाइड हुआ था कि क्रीमी लेयर होगा फैमिली इनकम साल का, एक साल में 1,00,000 से कम, तो जो भी लोग जो ओबीसी है और जिनका पारिवारिक इनकम साल का 1,00,000 से कम है, वही लोग उनको सीट मिलेगा, बाकी लोग जनरल की नजर जाएगा, ठीक है। वैसे ही फिर 1990 उसके बाद, हाँ 2004 में, 2004 में ये चीज हो गया 2.5 लाख, उसके बाद 2008 में 4.5 लाख, फाइनली अभी क्या है, 2000 अभी 6 लाख। तो अगर आप ओबीसी हैं और आपके फैमिली का इनकम एक साल में 6 लाख से कम है, तभी आपको ओबीसी का सीट मिलेगा, नहीं तो आप जनरल की तरह जाएगा, ठीक है।
तो ये अब इस पे थोड़ा बात करते हैं, आपको ये सिस्टम्स क्रीमी लेयर सिस्टम समझ में आया है ना, ताकि जिसके पास पैसा है ज्यादा उसको सीट रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ये सिस्टम सही है क्या? हाँ सिस्टम सही है, क्यों गलत क्यों है? गलत क्यों है बताओ, सही है गलत है जो भी आपको लगता है, टाइम की हाँ क्यों टाइम की हाँ नहीं, लेकिन जैसे ओबीसी लोग अगर यहाँ पर मान लो 100 लोग हैं इस यहाँ पे इसमें 100 लोग हैं, उसमें से 10 लोग हैं जो 6 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, उनको सीट नहीं मिलेगा, उसका मतलब क्या है? ये लोग को बाकी 90 लोगों को सीट मिल जाएगा। तो आपको क्या लगता है? ठीक है प्रीमियर, हाँ ठीक है हाँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है, यानी हो सकता है आपको नहीं लगता है, लेकिन बात यह है अगर मान लो अगर सबको क्रीमिलेयर ना हो, सबको सीट मिलेगा तो हर बार कौन सीट ले? आपको क्या लगता है जिसके पास पैसा है क्या है? मान लो हम 5 बच्चा है, 1 2 3 4 5, हम 5 ओबीसी है ठीक है, अब मैं क्रीमिलेयर उसमें, हम 2 क्रीमिलेयर में आते हैं, हमारे परिवार में फैमिली इनकम 10 लाख है ठीक है, बाकी लोग इनका इनकम कम है, तो ये ओबीसी हम सब ओबीसी है ठीक है, एक ही जाति का है ओबीसी है, एक ही जगह पे रहता है, लेकिन हमारा हम लोग का इनकम 10 लाख है, बाकी इनका इनकम मान लो 1 लाख है फैमिली का, तो अब क्या हम लोग का इनकम 10 लाख है, हमारा फादर हमको शहर में कहीं बहुत अच्छा स्कूल में डाल दिया है, ट्यूशन भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, ये लोग पैसा कम है क्या है, गांव में ही पढ़ रहा है अपने उससे अपना मेहनत से, कोई ट्यूशन नहीं कुछ नहीं, अब कल को अगर एग्जाम होता है, कॉलेज का एग्जाम होता है, आपको क्या लगता है कौन पास होगा उस एग्जाम में? हम दो ना, ये लोग क्या करेगा? सेम वो, हालांकि ओबीसी है सेम जाति है, बस पैसे का, इसीलिए प्रीमियर ताकि हम जैसा लोग हमको वो कॉम्पिटिशन ना मिले, इन तीनों को वो सीट मिले, ताकि इसलिए है प्रीमियर, समझा? यही क्रीमी लेयर लेकिन एससी एसटी में नहीं आता, एससी एसटी में चाहे अगर हम सब एससी एसटी हैं, अगर हम सब एक ही कास्ट का है, लोअर कास्ट है, लेकिन अब चाहे हम लोग 10 लाख कमा रहे हैं, ये लोग 1 लाख कमा रहे हैं, तभी हम सभी को सीट मिलेगा, ये प्रॉब्लम है थोड़ा एससी एसटी में। इसलिए क्या होता है, जैसे अगर अब मेरा फादर दिवाकर और मेरा पेरेंट्स अच्छे स्कूल में डाला, ये सब किया, हम तब भी पढ़ के रिजर्वेशन कॉलेज का सीट ले लिया, उसके बाद अब मेरा बच्चा पैदा होता है, उसको भी मैं खूब अच्छे से पढ़ा रहा हूँ कॉलेज में, ट्यूशन दे रहा है, अगली बार फिर से वो आ रहा है इस चीज का, उन तक नहीं पहुंचेगा, है ना? तो ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जैसे दो है, एक तो क्रीमी लेयर है ओबीसी में, दूसरा एक और ऑप्शन क्या हो सकता है कि एक पीढ़ी एक जनरेशन के बाद आप यूज नहीं कर सकते कोटा, ये भी एक ऑप्शन, लेकिन अभी नहीं है ये, तो इसलिए बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है इस चीज पे, हो सकता है जैसे कि अब अगर मेरा मैंने एक बार ही कोटा यूज कर लिया तो मेरा बच्चा अब नहीं कर पाएगा, ऐसा शायद रूल होना चाहिए, है ना, लेकिन अभी नहीं है, इससे बात चल रहा है। अब फाइनली जनरल क्लास, जनरल क्या हुआ, जनरल क्या हुआ, जो भी ये सब है, जो भी शेड्यूल कास्ट में एसटी नहीं ओबीसी नहीं, वो क्या है, जनरल सामान नॉर्मल, है ना, सामान जाति। अब लेकिन इसमें बात देखिए आप, इनका पॉपुलेशन कितना है 16%, रिजर्वेशन कितना 15, ये कितना है रिजर्वेशन का 7.5, ये तो फिर भी ठीक है, बराबर ही ऑलमोस्ट 1-1%, इनका देखो 41%, रिजर्वेशन कितना 27, कितना डिफरेंस है 13% का डिफरेंस, इनका देखो जनरल 34%, पॉपुलेशन 34% है, लेकिन सीट्स कितना है 50%, तो क्या रिजर्वेशन का जो जनरल लोग बोलता है कि रिजर्वेशन हटाना चाहिए, लेकिन इतना भी उनके अगेंस्ट नहीं है ठीक है। और ये बात ध्यान रखो, जनरल का मतलब ये नहीं कि खूब पैसे वाला होगा, जैसे मैंने आपको बताया ना, जनरल में भी गरीब लोग हो सकता है ना, तो इसीलिए लाइक ये चीज हमारे उसमें काफी रिजर्वेशन एक बहुत एक
इंडिया में बहुत एक स्केची टॉपिक है, इस पे काफी लड़ाइयां होती है, बहुत पॉलिटिक्स होता है, बहुत इलेक्शन यूपी बिहार में कास्ट पे ही इलेक्शन डिसाइड होता है, उस पे अब लास्ट ये पॉइंट थोड़ा बात करेगा, उसके बाद ये क्लास खत्म होगी। अब जनरल जो है उनका तो आपको बात समझ में, वो लोग क्यों नहीं चाहते रिजर्वेशन, रिजर्वेशन उनको क्यों नहीं चाहिए? ये टोटल नंबर सीट्स है 100 सीट्स है ना, कितना बोला हमने 27% नहीं सॉरी एससी 16% है ना, 7.5 एससी है ना, एससी एसटी और बाकी अराउंड 27% 15% और ओबीसी कितने 27%, टोटल ये कितना हो गया 49.5, जनरल पॉपुलेशन 50.5, ठीक है। अब क्या एससी जो परसेंट है बंदा, वो ये सीट तो रिजर्व है ही, लेकिन अगर एससी मान लो जैसे कि ये सब का मतलब क्या है, जैसे कि आप एग्जाम देता है, जैसे कल कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का एग्जाम दे रहा है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी आईआईटी मान लो, कोई आईआईटी का एग्जाम दे रहा है, तो उसमें टॉपर मान लो टॉप 10 लोग, उसका 100 में से एग्जाम होता है ना, पता है ना इन सब के, ठीक है, टॉप 10 जो लोग आया है, जो टॉपर है उसका 96% आया एग्जाम में, उससे कम 95, 94, 93 करके, जो 10th बंदा है उसका 92% है, ठीक है। अब ये अगर जनरल है तो इन सबको इसमें से एक एक सीट मिल जाएगा, ठीक है। अब जो एससी है उनके लिए थोड़ा अलग से होगा सीट, जो 15 सीट्स है उसमें, अब एससी जो स्टूडेंट्स है उसका हो सकता है परसेंट उसका कम हो, शायद 75% हो, लेकिन उसको फिर भी सीट हो सकता है। जनरल का जो है, जो 50 सीट्स है ना जनरल के लिए, तो जब तक आप 34-50 रैंक तक पहुंचते हो तो 50th रैंक में क्या हो जाता है परसेंटेज 83, ठीक है। तो जनरल अगर आप रैंक है और अगर आप 83 से कम है तो क्या होगा, आपको सीट नहीं मिलेगा, ये मतलब है रिजर्वेशन का। लेकिन अगर आप एससी हैं और एससी स्टूडेंट्स का अलग से लिस्ट बनेगा, एससी स्टूडेंट्स अलग लिस्ट, एससी में टॉपर 75 है, उसके बाद 74-73 15 सीट्स है ना, तो 15th तक मान लो क्या है 65, तो ये है एससी में चाहे आपका 75% है तब भी आपको सीट मिल जाएगा, और अगर मान लो 83 है ना, अगर 83 से ज्यादा है तब भी आपको, तब भी जनरल उसमें सीट मिलेगा, यहाँ पे फिर आपको एससी नहीं माना जाएगा, आपको यहाँ पे इसकी सीट मिलेगा। तो बेसिकली आपका सिर्फ 15 सीट के लिए नहीं कर रहा है ये, टोटल 65 सीट के लिए लड़ रहा है ना, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इसमें से, लेकिन इसमें भी अगर आपका रैंक अच्छा है 83 से ज्यादा है फिर आपको यहाँ पे सीट मिलेगा। फिर एससी में एक और आ जाएगा, जैसे अगर यहाँ पे 65 पे एंड हो रहा था, उसमें से एक स्टूडेंट जो टॉपर था उसका 84 था, तो वो इस लिस्ट में चला जाएगा, जनरल का सीट 49 हो जाएगा फिर, है ना। और जो नीचे है 65 यहाँ पे हमने रोका था, तो 16th जो बंदा है ना उसका अगर 63 था उसको यहाँ पे सीट मिल जाएगा। वैसे एसटी का अलग लिस्ट बनेगा, एसटी में भी मान लो 73 है, ये सबसे शुरू हो रहा है, तो 8 बच्चों को यहाँ पे सीट मिल जाएगा, ओबीसी का भी 27 यही। तो रिजर्वेशन आपको समझना मतलब क्या है इसका, तो जनरल लोगों को क्यों प्रॉब्लम है रिजर्वेशन से, क्या प्रॉब्लम क्या है इसका, क्योंकि बाकी देखो ओबीसी लोग 27 और 50 77 सीट्स के लिए लड़ रहा है, एसटी 7.5 और 57 सीट्स के लिए लड़ रहा है, एसटी एससी 15 और ये 65 सीट्स, समझ जाना ना। ये इतना सीट के लिए लड़ रहा है, ये लोग इतना सीट जनरल, लेकिन बस इतना ही सीट ले सकता है, जनरल इस सीट्स में नहीं आ सकता, ये रिजर्व है। जनरल चाहे 95% आए, अगर 83 ये जो इससे कम है, 50 से ज्यादा जनरल स्टूडेंट्स नहीं आ सकता, इसलिए उनको प्रॉब्लम है ना। लेकिन उस प्रॉब्लम का क्या है, अगर जनरल को अब पैसा है सब कुछ है, रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है, ताकि समानता है ना, जो आपको स्टेडियम वाला डायग्राम बताया था ना, ये सब क्यों हो रहा है, इक्वालिटी के लिए, ताकि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है या फिर आर्थिक
या सामाजिक या फिर जगह की वजह से, पहाड़ों में रहे, जंगल में रहे, एसटी वो लोग आगे आ सके, इसलिए रिजर्वेशन है ना। लेकिन वही तो ये चीज काफी प्रॉब्लम चल रहा 1980s से। 1980s में एक मंडल कमीशन बिठाया गया था। प्रोटेस्ट को क्या बोलते हो भैया? प्रोटेस्ट प्रोटेक्ट फॉर प्रोटेस्ट PROTESTS यानी विरोध। हाँ, तो 1980 में एक मंडल कमीशन करके था, तो उन्होंने सरकार ने बोला कि तब से डिसाइड हुआ था कि ओबीसी को 27% सीट्स मिलेगा, तो पूरा देश भर में बहुत विरोध हुआ इस चीज का। जनरल लोग यानी कुछ स्टूडेंट्स जो अपने आप को जीता जी आग लगा दिया इस चीज का विरोध करने में, तो ये चीज तब नहीं हुआ। 1990 में हाँ ये सब चल रहा था, विरोध चल रहा था खूब। फाइनली 2006 में कांग्रेस सरकार जो था उन्होंने बोला कि नहीं, तब से ये सिस्टम ऑफ, तब तक 2006 तक एससी और एसटी का ही रिजर्वेशन था, ओबीसी का नहीं था, ठीक है। 2006 से फिर ये 27% लागू हुआ, फिर से खूब सारा विरोध हुआ, लेकिन ये सिस्टम तब से चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी यही बात हो रहा है कि रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी क्या है, लेबल है ना, ये नाम है, इन नामों की जगह क्या बस पैसे के आर्थिक रूप से होना चाहिए कि, समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ? लोग चाहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी सब हटा दें और सब सीट बस रिजर्वेशन जो देना है बस पैसे के रूप में दे, कि जो लोग गरीब है बस उन्हीं को ही रिजर्वेशन मिलेगा, धर्म नहीं होना चाहिए, जाति नहीं होना चाहिए, ट्राइब नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, ये बोल रहे हैं, ठीक है, समझ रहे आप क्या? लेकिन इसमें भी एक थोड़ा प्रॉब्लम है, जैसे चाहे हो सकता है कि अब जैसे खासकर ट्राइब का बात करते हैं क्योंकि ट्राइब आप लोग सुनते रहते हैं, ट्राइब में हो सकता है आपको पैसा भी कमा लिया खूब, है ना, हो सकता है जैसे कुछ बिजनेस करके ये करने का। लेकिन जो बंदा अब जैसे जो बच्चा 5 मिनट का, जो बच्चा दिल्ली में रह रहा है, उसका फादर भी दिल्ली में रहा है, ग्रैंडफादर भी दिल्ली में रहा है, वो भी दिल्ली में रहा है, अच्छे से एजुकेशन मिला है उसको, उसके पास चाहे उसका फैमिली इनकम 3 लाख है, अब वैसी उड़ीसा में कहीं क्या बोलते हैं रायगढ़ में कहीं पे एक ट्राइबल बच्चा है, उसका फैमिली इनकम हो सकता है डबल है, 6 लाख है, लेकिन उसको स्कूल में ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, क्यों? हाँ, क्योंकि वो उसका, अब ये क्या है, अगर जैसे इस बच्चे को स्कूल में प्रॉब्लम आ रहा है पढ़ाई में, ये अपने फादर से पूछ सकता है, फादर भी इसका पढ़ा लिखा है, ग्रैंडफादर भी शायद कॉलेज गया है, तो ये लोग एक दूसरे को सामाजिक और जो एजुकेशनल वो सपोर्ट मिल सकता है, इस बच्चे को वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, समझ रहे ना, सांस्कृतिक सामाजिक और एजुकेशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा, चाहे आर्थिक सपोर्ट है ना, और हर कोई तो बाहर नहीं जा सकता है, हर कोई को नहीं भेज सकता है, तो इसीलिए अभी भी ये डिबेट चल रहा है, डिबेट समझते हैं ना, विवाद, तो ये विवाद अभी भी चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, इस पे अभी भी सरकार डिसाइड कर रही है कि रिजर्वेशन होना चाहिए बस आर्थिक रूप में होना चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए विवाद चल रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए क्या है, वही सिस्टम जो मैंने आपको बताया, एससी एसटी ओबीसी 49.5% सीट्स रिजर्व है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया बहुत ये चीज चल रहा है, यूपी बिहार ये सब में जाति के नाम पे पूरा इलेक्शन लड़ता है, लोग पॉलिटिशियन जाति को बहुत मैनिपुलेट करता है कि वोट के लिए कुछ भी बोल रहे हैं कि आपको अगली बार हम रिजर्वेशन देगा, अगली बार ये करेगा, पिछले बार आप अगर न्यूज में पढ़ा था पटेल और जाट ये लोग ओबीसी स्टेटस मांग रहे थे, पटेल, पटेल एक जाति है गुजरात का, वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल नाम सुना है, वो भी पटेल था, तो वो एक पिछड़ा जाति नहीं है, वो है ना पैसे वाला लोग है, लेकिन उनको भी ओबीसी स्टेटस चाहिए, क्यों चाहिए, ताकि कॉलेज का सीट मिले, वैसी जाट हरियाणा का एक जाति है, उनके पास भी खूब पैसा है, लेकिन वो लोग भी ओबीसी स्टेटस मांग रहे हैं, क्यों, ताकि पढ़ाई कॉलेज में सीट मिले, ठीक है। तो ये सब चलो, और पॉलिटिशियन इस चीज का फायदा उठाता है, अब कल को पॉलिटिशियन जाएगा जाट लोग के पास बोलेगा हाँ मैं तुमको दिलाएगा, है ना, तो ये सब बहुत प्रॉब्लम दे रही है। और लास्ट, हाँ ये सब प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, बार बार जब हम बात, हम लोग कौन है, मनुष्य,
वही बार बार बात ये आ जाते हैं, हम लोग एक दूसरे को मनुष्य की तरह नहीं देखता है, हम देखता है इंडिया पाकिस्तान या एससी एसटी ब्राह्मण शूद्र ये वो। अगर हम एक दूसरे को बस साथ समझने लग जाएगा और सही से एक दूसरे का मदद करेगा ये सब कौन नहीं आएगा। ठीक है तो ये सब है बात करेगा तो, और कोई आने वाला जनरेशन इस चीज को बदल सकता है ना, आप लोग ही बदल सकता है आगे जाके।